वालेकुम, मैं शाहिबुद्दीन शेख और आज कुछ आम का वैरायटी दिखाएंगे विथ फ्रूट के साथ। बहुत सारा वैरायटी है, लेकिन उससे पहले अभी मैं ऑनलाइन का मतलब कुरियर सर्विस का ऑर्डर नहीं ले रहा हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा ही है और इस टाइम पे मतलब कुरियर में देना बहुत ही रिस्क हो जाता है। मतलब दो पैसे कमाने के बदले ज़्यादा मतलब नुकसान हो जाएगा हमें, क्योंकि मर जाने की चांस ज़्यादा है। तो कृपया जब तक तगड़ा बारिश ना हो तब तक हम कुरियर सर्विस चालू नहीं करेंगे, चाहे वो एक हफ्ता, दो हफ्ता, एक महीना भी लगे। तो बारिश तगड़ा ना होने तक हम कुरियर सर्विस नहीं करेंगे, ठीक है। और जो नर्सरी पे आके ले जाएगा ये तो बहुत ही बढ़िया है, इसमें नुकसान होने की कोई बात ही नहीं है। तो कृपया आप अभी नर्सरी पे आके लीजिए जब तक बारिश ना हो, ठीक है। तो आज जो आम का वैरायटी दिखाएंगे, ये देखिए, ये जो वैरायटी दिखा रहा हूँ ये है आपका किंग ऑफ चकापात। अभी छोटा है, मतलब कलर आना भी शुरू हो गया और ये बढ़िया कलर है, देखिए, ठीक है। ये किंग ऑफ चकापात वैरायटी है, इसी तरह होता है, अभी काफ़ी बड़ा होगा, ठीक है। अभी इसमें सिर्फ एक ही फल है। और इधर जो है ये आपका, ये देखिए, ये थ्री टेस्ट का भी अच्छा खासा कलर आता है। ये छोटा है, मतलब अभी सब 15-20 दिन बाद, एक महीने की आसपास में जाके सब पता चलेगा कौन किस तरीके का होता है। ये मैंने टेस्ट भी अभी तक नहीं किया, इसका फल आया है, देखिए किस तरीके का, ठीक है। ये भी शायद देखने के हिसाब से लगता है कि बहुत बढ़िया वैरायटी बनेगा। थ्री टेस्ट इसका नाम है, तो पता नहीं कितना टेस्ट है इसमें, जब खाएंगे तब पता चलेगा, ठीक है। लेकिन फ्रूट बहुत बढ़िया है। और इधर जो है ये बनाना मैंगो, ये देखिए, बनाना मैंगो काफ़ी बड़ा होता है, 400-450 इसी तरह इसका वेट होता है। इधर भी ये देखिए बनाना मैंगो किस तरीके का होता है, ये देखिए बनाना मैंगो किस तरीके का होता है। और जो टेरेस गार्डन में लगाओगे ना, ठीक इसी तरह मिट्टी का गमले पे लगाने से और भी बेहतर होता है, ठीक इसी तरह लगाने से, और ये बहुत बढ़िया बनेगा। और बनाना मैंगो ये काफ़ी अच्छा वैरायटी है, इसमें क्या होता है, इसमें फल भी बहुत ज़्यादा होता है और हर साल फल देता है। अरे पकने की बात, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत बढ़िया होता है ये बनाना मैंगो। और मैं तो कहूँगा जो बाग लगाना चाहता है वो बनाना मैंगो ज़रूर लगाए, ये बहुत बढ़िया वैरायटी है, ठीक है। ये देख कितना होगा, 250 ग्राम जैसा वजन होगा, लेकिन मैं देखा हूँ पिछले साल कि ये 400-450 ग्राम तक इसका वेट हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद आइए, ये देखिए काठमांडू, देखिए काठमांडू में किस तरीके से फ्रूट होता है, देखिए, ठीक है। ये ऊपर का फ्रूट नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ही गर्मी है इस बार, ठीक है। अरे देखिए किस तरह भर भर के फल होता है, देखिए, ठीक, बहुत बढ़िया वैरायटी है काठमांडू। ये मतलब साल में दो बार तीन बार इसी तरह फल देता है। तीन बार देने से क्या, फल बहुत ही कम होता है, लेकिन दो बार होने से क्या, फल इसी तरह भर भर के होता है। बहुत बढ़िया वैरायटी है ये काठमांडू, पाका खाने में बहुत मज़ा आ जाएगा इसमें। और ये जो है इसमें फल नहीं है, फिलहाल फल नहीं है। और ये आपका रेड आइवरी का जो मतलब इसका फल तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है, ये देखने लायक फल होता है, लेकिन दो मेरा इसमें फल आया नहीं इस साल, ठीक है, शायद इंशाल्लाह अगले साल आ जाएगा इसमें फल। तो बहुत बढ़िया, इसका पत्ता भी जितना बड़ा है उतना बड़ा इसका फल भी होता है, ठीक है, और एकदम कलरफुल मैंगो होता है रेड आइवरी। अच्छा, और इधर जो है ये आपका ऑरेंज मैंगो बोला जाता है। मैंगो का टेस्ट मतलब मैंने आंध्र प्रदेश में जाके देख आया था, मैंगो का टेस्ट कैसा होता है पता नहीं, लेकिन ये देखने में पूरा ऑरेंज कलर बन जाएगी जब मैच्योर्ड हो जाएगा ना, ये पूरा ऑरेंज कलर बन जाएगा। बहुत बढ़िया वैरायटी है, खाने में शायद मैंगो की जैसे ही होगा, लेकिन कलर इसका पूरा ऑरेंज कलर बन जाएगा, भाई एकदम येलो कलर में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और ये बनाना का भी है, ये सब कुछ मदर प्लांट है, ठीक है। और ये जो है ये आपका नाम डॉकमाई व्हाइट, ठीक है, अभी तो कलर आया नहीं, व्हाइट कलर आएगा कि ये हमें पता भी नहीं है। ये इसी तरह, ये देखिए इसमें कोई शायद चोट कर दिया, ये ख़राब हो गया, ठीक है, बेकार हो गया, लेकिन ये व्हाइट होगा क्या पता नहीं। और अभी और एक फल बाकी है, ये नर्सरी पे फल रहते तो इसी तरह कोई ना कोई चोट दे देता है, अपना लोग ही देता है, ठीक है। तो ये अब व्हाइट बनेगा क्या नहीं बनेगा ये भी देखना है, नाम डॉकमाई व्हाइट का वैरायटी है, हमारे वेदर में किस तरह बनता है ये भी देखना है, ठीक है जी। तो आम का कई सारा वैरायटी अपने पास है, लेकिन सब में फल आया नहीं, और जितने भी आया मैंने आपको दिखाया, बहुत सारा मदर प्लांट में फल आया नहीं, शायद अगले साल आ जाएगा, ठीक है। और इधर उधर जाके अगर कुछ वैरायटी मिले तो भी हम दिखाएंगे कौन किस तरीके का है, और कुछ दिन बाद तो सब टेस्ट भी पता चलेगा कैसा क्या क्या टेस्ट है, कौन सा फल का क्या क्या टेस्ट है। तो तब तक के लिए अच्छा रहना, अल्लाह।